जो अपने आज जो प्रैक्टिकल देखे, जो निरंतर तरीके से अपने प्रैक्टिकल चल रहे थे, आपने देखा एक ही पार्ट का नाम देखा था माइक्रोवेव का, और चेक करके भी देख लिया आप लोगों ने। अब जो मैं इसमें कनेक्शन करने जा रहा हूँ, उस बॉडी को अरेंजमेंट करने जा रहा हूँ धीरे धीरे, वो आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा एक एक कनेक्शन को, मैं इसमें आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे कनेक्शन होते हैं, कैसे करते हैं, कैसे इसको कसा जाता है, कैसे इसको खोला जाता था, ये भी बता दिया मैंने। अभी आप लोगों को क्या करता हूँ, मैं इसके कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। तो वीडियो में बने रहिए और ये वीडियो में हम कनेक्शन करते हैं, आप लोगों को दिखाते रहिए कौन सा कनेक्शन कैसे आता है, कैसे कनेक्शन होता है, कैसे वर्क करता है ये चीजें। चलिए बने रहिए। कैपेसिटर मैंने पहले से ही इस पर फिट कर दिया है, ट्रांसफार्मर भी कर दिया है मैंने, ठीक है। अब इसको मैं बॉडी पे लगाता हूँ, इसके कनेक्शन करके भी दिखाऊंगा, विद डायग्राम सहित बताऊंगा। मेरे पास जैसे देखिएगा ये डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम के थ्रू, इस माइक्रोवेव के सर्किट डायग्राम के थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे कनेक्शन करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये सब चीज बताऊंगा। बने रहिए वीडियो में। अच्छा, जो मोटर थी मैंने इस बॉडी पर लगा दी, सबसे पहले किसको लगाया, बॉडी पर ये मोटर को फिट कर दिया, ठीक है। जो फ्लेट रोटेटिंग मोटर थी उस मोटर को मैंने इस पर फिट कर दिया है दोस्तों, ठीक है ना। देखते रहिए वीडियो में, बने रहिए आप लोग, ठीक है। ये पहले से कनेक्शन निकाल लिए क्योंकि दो बार न्यूट्रल फेस होता है इसके अंदर भी, तो मैंने ये पहले से निकाल लिया है। और देखिए प्रॉपर तरीके से एक साइड नट कसता है, एक साइड नहीं कसता है इसमें। एक साइड क्या होता है, लॉक होता है, देखिए इधर लॉक है इधर है नट, तो एक साइड से क्या कर दिया मैंने, इसको लगा दिया। चलिए ये डोर वाला ये था क्योंकि ये नीचे से निकला, ये भी लगा रहा हूँ मैं पूरा। मैंने इसका पोस्टमार्टम किया था खोल खोल के, एक एक नट को, एक एक पुर्जे को मैंने अलग किया था, इसीलिए मैं एक एक पुर्जे को जहाँ था वैसे का वैसा लगा रहा हूँ। एक एक पुर्जे को आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं एक एक पुर्जे को लगा रहा हूँ, कैसे लगा रहा हूँ, कैसे लग रहा है सब आप लोग देख लीजिएगा। एक एक पुर्जे को जहाँ थे मैंने लगा था वैसे सभी को मैं एक साथ देख, एक एक चीज को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और इस पर नट बोल्ट कसते जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। मैं आपको फिर दिखाता हूँ, ये पूरी नट इस पर फिक्स हो जाए, पूरी नट को मैं फिर दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसमें कस दिए गए हैं और एक भी नट को मैंने बढ़िया तरीके से लग गया। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सीधा कर लेता। अब इसमें मेरे एक एक कनेक्शन चलेगा, कौन सा कनेक्शन कैसे है, मैं पूरा कनेक्शन कस के दिखाऊंगा इसमें कैसे क्या निकलता है एक एक बॉडी का। अब मैं इसकी फैन दो कूलिंग पैन लग रहा है भाई, देखिएगा कूलिंग पैन लगा दिया मैंने, एक एक कूलिंग पैन, एक एक पुर्जा, इसका पार्ट्स मैंने निकाला था, उसी पार्ट्स को मैं उसी जगह पर अरेंजमेंट कर रहा हूँ, एक एक पार्ट्स को, ठीक है ना। कौन सी चीज कहाँ पर लगी, कैसे लगाए, कैसे खोलते अपन इसको, सब इधर कैसे थे दोनों, देख लो मैग्नेट्रॉन लगा रहे हैं, ये मैग्नेट्रॉन लग रहा है अपना, ये क्या है मैग्नेट्रॉन, मैग्नेट्रॉन भी मैंने फिक्स कर दिया। जो पार्ट्स अपने निकाले थे वो पूरे पार्ट्स लगा रहा हूँ मैं, जैसे जैसे इसमें कनेक्शन थे वो पूरे कनेक्शन भी करके दिखाऊंगा आप लोगों को, और कनेक्शन भी बताऊंगा और सर्किट डायग्राम के थ्रू भी बताऊंगा, ठीक है ना। एक एक नट को पुल कसना, इसको मैंने इसमें फिट कर दिया है, मैग्नेट्रॉन का जो भी जैसे खोला था वैसे ही मैंने लगा दिया है, ऐसे ही आप लोगों को भी खोलना है और कसना है, ठीक है ना। थर्मल स्विच को भी मैंने इस पर लगा दिया है, ठीक है ना। एक एक पार्ट्स को जैसे मैंने खोला था उसी प्रकार से मैंने इसको थोड़ा ढीला करना है, उसको तभी जाए। तो आप लोग काम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ढीला कर इसको घुमा लेंगे, इसको कस दे, इसके छोड़ दो, जैसा नहीं है जिसका नहीं है, ये लैंप भी लगा दिया जैसा था वैसा, पूरे कनेक्शन हो गए। डोर स्विच लगाओ, डोर स्विच लगाओ, डोर स्विच लगाओ, माइक्रोवेव कनेक्शन पे लगा, माइक्रोवेव कनेक्शन हो रहा है तो पूरे, ये की कनेक्शन पूरे तरीके से हो गए, इसको लगा दो, इसमें लगा दो, इसमें बन जाएगा था ये। तो कैसे निकला, क्या हुआ, सब चीज मिला, पूरा कर दिया हमने, ठीक है ना। ये पूरा कनेक्शन हो गया, अब मैं डोर टाइमर की लगा सकता, टाइमर की, एक टाइमर भी लगा जी वाला ऊपर लग जाएगा।
ये सर्किट डायग्राम है मेरा और इसके थ्रू कैसे कनेक्शन करते हैं ये भी को मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं इसी को देख करके पूरे सर्किट डायग्राम के पूरे कनेक्शन को आप लोगों को समझाऊंगा और कैसे कनेक्शन करते हैं, तो देखिएगा मैं एक एक आप लोगों को बताऊं कैसे कैसे क्या गया। तो सबसे पहले अपनी क्या आती है मेन लीड, देखते हैं न्यूट्रल फेस और बॉडी अर्थ ग्राउंड वाला इसके अंदर, ठीक है ना। तीन फेस इससे बाहर निकलते हैं, तीन बार आप लोग देख सकते हैं, तीनों बार निकले, एक रेड वाला, एक ब्लैक वाला, एक ब्लू वाला, ठीक है ना। ये इसको मैंने कहानी कहां से इसी को सीधी बॉडी को दे दी, देखिए बॉडी को दे दिया मैंने सीधा इसका, देखिए इधर भी इसमें कनेक्शन में भी इसमें भी देखिएगा सीधा बॉडी में दे दिया, ग्राउंड वाला सीधा डायरेक्ट हो गया ना। देखिए अब इसके बाद मेरा क्या है, रेड वाला, रेड वाला देखिए लोड वाला यानी फेस वाला किसके अंदर गया, फ्यूज, फ्यूज का सिंबल देखिए फ्यूज के अंदर गया। देखिए इसमें भी देखते चलिए, देखिए फ्यूज के अंदर एक साइड से दे दिया, अब इससे फ्यूज से निकाल दिया मैंने, फ्यूज से किसके अंदर गया मेरा ये वाला, किसके अंदर गया ये मेरी, ये वाले स्विच के अंदर गया जो कौन सा अपना स्विच था, डोर स्विच से, और डोर स्विच से आउटपुट हुआ मेरा यहाँ से, आउटपुट यहाँ से इनपुट दिया, देखिए डोर स्विच से क्या दिया, डोर स्विच है ना जी, ये देखिए डोर स्विच में यहाँ से जा रहा है, देखो यार ये थर्मल स्विच बाद में लगाया यहाँ पे, उनको बाद में लगाएंगे, ठीक है। पहले किसमें दिया उनको, इसमें दे दिया, किसमें अपन डोर में, डोर स्विच में गया, देखो डोर स्विच में एक बार दे दिया अपने यहाँ से, तो देखिए डोर स्विच से यहाँ से कहाँ से ले लिया ऊपर से, अब यहाँ से मेरा किसमें गया, इस नीचे वाले जो प्रोटेक्शन स्विच है ना नीचे वाला, वो प्रोटेक्शन स्विच के अंदर गया मेरा, ठीक है ना। तो देखिए प्रोटेक्शन स्विच में इस ऊपर से क्या किया मैंने, इनपुट दिया देखिए इधर, और यहाँ से आउटपुट निकाला, इसमें से दो, इसमें से सीधे डायरेक्ट लेना है मुझे, एक सीधा मैं क्या करूंगा अपने किसको, ट्रांसफार्म को, देखो सीधा ट्रांसफार्म में निकल गया, देखिए ऐसे मैंने ब्लैक वाला क्या लिया, सीधा ट्रांसफार्म के अंदर दे दिया, क्यों ट्रांसफार्म को अपन इनपुट कितनी देंगे 230 वोल्टेज, ठीक है ना, इतना देखिए मैंने सीधा दे दिया, देखिए ब्लैक वाला बाहर, देखिए पहले किससे फेज आया, यहाँ से निकल करके, कहाँ से, यहाँ से फ्यूज से निकल करके किस में आया, ये स्विच के अंदर गया, स्विच से फिर मैंने इनपुट कराया, क्योंकि इससे कट ऑफ होगी, क्योंकि इसके अंदर भी चालू होना है, दबा के चालू होता है तभी तो होता है, कि इसके अंदर जब भी चालू होगा अपन डोर को क्या निकालेंगे बाहर के लिए, तभी ये अपना चालू होगा, ठीक है ना। तब तक चालू नहीं हो तब तक क्या अपने को ये पकड़ लिया, जैसे देखिए ये दबाए, देखो इधर ये डोर मेरा लगा हुआ है, जैसे ये डोर को मैं क्या करूंगा नीचे वाले प्रोटेक्शन स्विच से क्या करूंगा, इसको खोलूंगा नहीं जब तक, तो ये बंद नहीं होगा, देखिएगा मैं जब तक क्या करता हूँ, ये निकल आया, देखिए ये वाला है ना, तो इसको क्या दबाया मैंने, चेक करके दिया, इससे तभी तो कंटिन्यूटी निकली मेरी, क्या देखिए फेस गया इसके अंदर, इनपुट दिया फिर आउटपुट कैसे ऐसे लिया, फिर क्या जब डोर को लगाऊंगा तभी यहाँ से सप्लाई को क्या करेगा निकालेगा, आउटपुट देगा, जब तक नहीं देगा क्योंकि जब तक यहाँ से सप्लाई निकल कर यहाँ तक आ गई डोर स्विच में, और डोर स्विच, ये डोर स्विच क्या करता है, जब तक सप्लाई कट ऑफ नहीं करेगा जब तक क्या करोगा अपन इसको नहीं लगाएंगे, तब तक इसको नहीं लगाएंगे तब तक, देखिए जैसे जैसे मैं लगाया ये दब गया, अब मेरी सप्लाई क्या इसमें निकल आई, अब यहां से निकल करके मेरी प्रोटेक्ट ये डोर स्विच से, देखिए सबसे पहले इसको यहां से फ्यूज से निकाला, फ्यूज से निकाल करके किसमें दिया डोर स्विच में, डोर स्विच से निकाल ऊपर वाले में देना है सबसे पहले, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है क्या, सबसे पहले फिर से किसमें देना है, ऊपर वाला डोर स्विच है उसके अंदर देना है, उससे आउटपुट कराने के बाद, क्योंकि इसको दबाएंगे अपन इस बटन के अंदर में दिखाया तभी तो कंट्रोल दिखा रहा था, तो इससे आउटपुट लिया, इससे आउटपुट लेकर के मैं क्या करूं नीचे वाले में, दोनों को जो इसके बीच वाला है ना, इसके देखिए बीच वाला ही डोर स्विच है, बीच वाले डोर स्विच का डायरेक्ट निकालता है, ठीक है, क्योंकि दबाने पर ही क्या करता है बंद होता है, ठीक है ना, तो ये क्या कर देगा यहां से बंद कर देगा, इसको बंद कर देगा तभी तो प्रोटेक्शन होगा, तो अपने क्या मैंने किसको दिया, इसको इनपुट दे दिया, ठीक है, अब इससे ही इनपुट मैंने एक बार और निकाला इसी में से, क्योंकि यहां से तो निकल आया, अब यहां से मैंने किसको दिया, ये ट्रांसफार्म को दे दिया, देखो ट्रांसफार्म में इसमें भी देख रहा है, ठीक है ना, ये ट्रांसफार्म में देखिएगा, ये ट्रांसफार्म को सीधा चला गया, एक बार इसमें चला गया, देखिए ट्रांसफार्म में चला गया, ठीक है, देखिए अब ट्रांसफार्म से, अब यहां से मेरा जो बाहर निकला मेरा ये निकल गया, ठीक है ना, ये हो गया आउटपुट, इसको ट्रांसफार्म को दे दिया, फेस चला गया, फेस ही फेस जा रहा, अब मेरा फेस इससे इस डोर से ऊपर के वाले से क्या है, ये वाला कनेक्टर मेरा निकल आया ना, ये वाला देख, उससे मैंने क्या किया, ये आउटपुट निकाला, क्योंकि इसको इनपुट दिया मैंने, यहां से मैंने क्या किया आउटपुट लिया, इस वाले डोर को भी तो देना है मुझे, स्विच को इसको भी देना, स्विचों को पहले देना है अपन को, इस वाले स्विचों को सबसे पहले करना है, क्योंकि सीधे डायरेक्ट यहां से दे दिया मैंने, ठीक है ना, अब इसको क्या ट्रांसफार्म को यहां से नहीं देना है, क्या इस वाले से क्या पहले क्या गेट लग जाए उसके बाद ही क्या हो अपना चालू हो,
वो गेट बंद हो जाए तो ये भी बंद हो जाएगा, ये भी बंद हो जाए, सब बंद हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया मैंने, इसको दिया, इससे निकाल करके इनपुट मैंने इस वाले डोर स्विच के अंदर दे दिया। प्रोटेक्शन स्विच से निकाला, प्रोटेक्शन स्विच से निकाला, डोर प्रोटेक्शन स्विच से, फिर माइक्रो स्विच को दे दिया। माइक्रो स्विच को मैंने नीचे से इनपुट दिया। अब आउटपुट कहां से निकालते हैं, इसके ऊपर वाले से, ठीक है। अब इसका ऊपर वाला क्या करेगा, अपन एक तो मोटर के अंदर चला जाएगा। देखो एक जो मोटर के अंदर क्या कहेंगे, हाँ ये गया, देखिए एक क्या कर देंगे, थर्मल स्विच को दे देंगे, ठीक है। एक क्या गया, थर्मल स्विच को दे दिया, देखिए थर्मल स्विच को भी चला गया एक साइड से, और ये दो थर्मल स्विच किसमें श्रेणी क्रम में लगा दिए अपन ने, दोनों देखिए दोनों थर्मल स्विच है क्या, एक श्रेणी क्रम में लगा दिया, तभी तो अपन को पता चला। ये देखो ये थर्मल स्विच, एक ये थर्मल स्विच, दोनों को मैंने क्या किया श्रेणी में लगा दिया इधर से, ठीक है ना। अब मैंने यहां से जो आउटपुट मेरा निकला, दो वायर थे इसमें, इसमें इस वायर अच्छा ये कहीं नीचे, इसमें दो वायर थे, एक सीधा वाला, यहां से निकाल करके मैंने यहां से आउटपुट लिया, यहां से। अब इसको किसको दिया मैंने, इस वाले को दिया, इस वाले को दे दिया मैंने आउटपुट, दे दिया। अब इसको मैंने इनपुट दिया नीचे वाले को, अब इसी से दो वायर निकालने, एक तो मुझे डायरेक्ट निकालना है किसमें देना है, ये टाइमर में, ठीक है। और एक क्या करना है मुझे, इससे निकाल करके सीधा एक थर्मल स्विच के कोने पर लगा दो, इसमें लगा दो, इसमें लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे इसको लगा दो इसको, बात तो बरूबर है, चाहे इसको लगा दो इसको लगा दो, कोई दिक्कत नहीं थर्मल स्विच के अंदर, ठीक है ना। तो मैंने किसको दे दिया, एक थर्मल स्विच को दे दिया, देखिए निकल गया। अब देखिएगा ये टाइमर है, ठीक है, देखिए टाइमर है। अब टाइमर में मैंने एक यहां से जो बाहर निकाला मेरा, यहां से मैं नीचे से सीधा इस वाले ऊपर वाले से, देखिए देखिए नीचे वाले से आया ना एक बार, अपना यहां से सीधे डायरेक्ट लेना है कि इसमें से ऊपर से नहीं लेना है, नीचे वाले से दो बार निकालनी है इसमें से, एक इसमें और एक बीच वाले में, इसमें दो बार निकलते हैं, बीच वाले प्रोटेक्शन स्विच में अपने वाले हो और नीचे वाले माइक्रो वाले स्विच में, ये क्या नीचे वाले से क्या लेंगे अपन, दो दो बार निकालेंगे, ठीक है ना। एक इसमें से निकाल करके अपने, एक तो इसको ट्रांसफार्म को भी दिया था यहां से मैंने, ठीक है ना, दो बार यहां से आउट होते हैं अपने, इस वाले से टाइमर से दो बार आउट होते हैं अपने मोटर को, तभी तो अपन चालू बंद करते हैं ना, यहां से घंटी की आवाज आती है ना। तो यहां से आउटपुट मैंने किया, तो सबसे पहले किसमें, एक मोटर में दे दिया, मोटर को मैं तब तक नहीं चलेगी जब तक क्या होगा अपनी मोटर क्या होगा, जब तक मोटर नहीं चलेगी जब तक मैं इसको घुमाऊंगा नहीं, तो घुमाएंगे तभी तो यहां से कंटिन्यूटी निकलना चाहिए, यहां से सप्लाई जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इसको दे दिया, देखिए इसको दे दिया, अब तो मोटर के अंदर दो मोटर के बाहर निकाले, देखो ये न्यूट्रल फेस वाले दोनों बाहर निकाले, देखिए न्यूट्रल और फेस दोनों निकाले, तो मोटर के दोनों बाहर है, दिख रहा है ना, ये प्लेट रोटेटिंग मोटर है ना अपनी, देखिए प्लेट रोटेटिंग मोटर कहाँ पे अपनी, ये रही ये प्लेट रोटेटिंग मोटर है ना अपनी, ये तो कूलिंग पैन, ये प्लेट रोटेटिंग मोटर, देखिए यहाँ से क्या आते थे सप्लाई किससे लिया, कूलिंग पैन से लिया, इसमें देखिए कूलिंग पैन से ले लिया एक सप्लाई, ये फेस वाला, ठीक है ना, फेस वाला ये ना, यहाँ से लिया इसको न्यूट्रल दे दिया, यहाँ से इधर से न्यूट्रल गया, न्यूट्रल दोनों को दिया अपने, ये न्यूट्रल किसको दिया, एक फैन को भी दिया, इसको कूलिंग पैन को एक किसको दिया, मोटर को एक, किसको दिया लोड लैंप को भी दिया, न्यूट्रल पे तीनों को जरूरत है, इसको और किसको, इसको कूलिंग पैन को और प्लेट रोटेटिंग मोटर इसके अंदर नीचे लगी जो प्लेट घूमती है अपनी, उसको भी दिया, तो न्यूट्रल पे दोनों के लिए जरूरत है, दोनों के लिए जरूरत है ना, तो दोनों को देना है अपन को। तो फेस की पर कहानी खत्म कर रहे, देखिएगा इसके बाद जा रहा है अपना, इससे आउट किए दो वायर, एक किसको दे दिया सीधा डायरेक्ट अपने मोटर को, नीचे वाले से लगाना है, ठीक है ना, इसमें ऐसे सीधे लग रहा है ना, तो नीचे वाले ऊपर से निकाल, नीचे वाले स्विच से पहले इनपुट दिया, फिर आउटपुट में दो वायर निकालने, ऊपर से ऊपर वाले कनेक्टर से क्या करना है, दो वायर निकालना है अपन को, एक वायर किसको दे दो मोटर को दे दो, एक वाला अपना सीधा किसको दे दो कि लैंप को दे दो, देखो लैंप को दे दिया। अब यहीं से क्या करना है मुझे, किसे देना है अपने, कूलिंग पैन को, देखो कूलिंग पैन को तीनों वायर गए, तीनों गए ना, दिख रहे हैं, देखो लाइन इधर लाइन को तीनों वायर गए, तो ये तीनों बार इसको, अब फेस इसके अंदर भी गया, फेस इसके अंदर भी गया, और फेस किसके अंदर, मोटर के अंदर भी चला गया, तीनों के अंदर की कहानी एक ही साथ खत्म, फेस फेस की कहानी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, अपन न्यूट्रल भी देना होता है, ठीक है, फेस की कहानी खत्म हो गई यहां तक। अब न्यूट्रल वाली देखिएगा, न्यूट्रल अपना कहां से लिया, देखिए तीन बार आए हुए नीचे से, देखिएगा यहां से, देखिए तीन बार लेंगे, एक नीचे वाली, इसको मैंने इनपुट दे दिया दोनों को, ठीक है, आउटपुट इनपुट दोनों दे दिया, ठीक है, इधर से अपना का 230 वोल्ट देगा। अब देखिए इसके अंदर इस ये नीचे वाली वाइंडिंग को पूरा दे दिया मैंने, अब इसके बाद से देखिएगा ये वाला वाइंडिंग है, ये वाला वाइंडिंग नीचे से निकाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसके वाला ये वाला, इसका एक वायर तो मैंने इससे बॉडी से टच कर दी, ऊपर वाली का, ऊपर वाली देख बॉडी से टच है, एक वाला मैंने क्या इधर से निकाला, तो ये किसको दिया, कैपेसिटर, हाई वोल्टेज कैपेसिटर को, ठीक है, वो फ्यूज को, फ्यूज को, फ्यूज से निकाल करके मैंने किसको दिया, ट्रांस कैपेसिटर को दे दिया, किस कैपेसिटर में एक ऊपर वाला, ऊपर से कहीं एक डायोड उसके साथ से मैं कनेक्ट कर, आवाज बंद, मैंने कहा डायोड एक बॉडी के साथ कनेक्ट कर दिया, बॉडी के साथ ये भी कनेक्ट है इधर, तो क्या इसका फ्लो बनेगा, सर्कल बनेगा इसका, और इधर से क्या लिया, कैपेसिटर लिया, कैपेसिटर से मेरा क्या सर्कल ही बना। अब मैंने देखिए एक तो मैंने किसको दिया,
ट्रांसफर को, यहाँ से हाई वोल्टेज निकला मेरा, यहाँ से का लो वोल्टेज गया, यहाँ से कितना हाई वोल्टेज निकला, 2100 वोल्टेज इसने बनाया, 2100 इसे कैपेसिटर ने बनाया, तो ये कितना दे रहा है इसको मैग्नेट्रॉन को, 4200 ही तो दे रहा है, ये ट्रांसफार्म अपना निकाला 1000 वोल्टेज या 1200 वोल्टेज या 1500 वोल्टेज निकाल रहा है, तो ये कितने बना रहा है 2100 वोल्टेज स्टोरेज कर रहा है इससे, तो यहां से भी इस 2100 से बनाया वो ये भी निकाला है, तो दोनों को मिलकर के कितना हुआ, ऐड करके अपना जो भी अपना बना वो अपने इसको दे देंगे इलेक्ट्रॉन को, देखिए इससे निकाल करके एक इसको दे दिया, अब यहां से देखो एक वायर मैंने इससे लिया इधर वाले से, ये नीचे वाली वायर निकल वाले से, इसमें बीच वाली वायर है, एक इसका वायर, एक कैपेसिटर से जो वायर अपना इस वाली वायरिंग का निकला, तो दोनों का इसको दे दिया, अब जो बीच देखो इसको दे दिया ठीक है, अब इससे एक वायर और निकला ऊपर बीच वाली से, इसको भी दे दिया, ये मैग्नेट्रॉन के अंदर चलेगा ठीक है ना।